सो वंस अगेन द मंक एज वेल एज जैसे नहीं सो नाउ अगेन हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं, मनाली का ट्रिप है और इस ट्रिप में हमारे साथ आकाश है एज यूजुअल, अश्विनी ज्वाइन कर रहा है हमें, कुछ अच्छा ही करते हैं हम एज यूजुअल, कहीं गलतियां रहती होंगी यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ा ग्रो अप हम भी हो जाएंगे, सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना, बाय बाय। ये जा रहे हैं हम यार, ये वॉक्सी फुल होने जा रही है यार, इसको इस हिसाब से रखो थोड़ा पीछे में देख सकूं। ये टैंकी फुल हो रही है अपनी, पंजाब में भाई ये रेट ज्यादा है। रोटी खानी है ना, याद है सर, कैसा लगा ड्राइव करके? अभी तक तो ठीक है, लेकिन एज यूजुअल होने वाला है, सारी ड्राइव मैं करूंगा। अब देखिए हम यहाँ पे रुके हैं, ये है होशियारपुरिया ढाबा, बट हम होशियारपुर में नहीं है, ये इसका लॉजिक इनलॉजिकल है लॉजिक। अब दोनों सेम थोड़ी बनाएंगे सर, कुछ तो अलग होगा, डिफरेंट तो चाहिए। So, हमने अभी 30 मिनट का ब्रेक लिया था, शारपुरी ढाबा था, यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो मेरा सुबह से नहीं हुआ था, वी हैव डिनर राइट नाउ, सो अभी हम जा रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से, अराउंड 2 या 3 hours का रास्ता है, तो देखते हैं कितनी देर तक पहुँचते हैं। इतनी वो कर रखी है, अच्छा ये देखो ये भी नई सड़क पर, इतनी चौड़ी कर दी ना इन्होंने रोड है, तब कभी तो बाहर नहीं जा रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, उत्तराखंड में ट्रेन जा रही है, ट्रेन सुबह हो चुकी है, 10 बजे उठे हम, 10-11 बजे, तो अभी क्या है हम यहाँ से निकलेंगे अराउंड 30 मिनट्स के अंदर अंदर, अभी थोड़ा परोठे वगैरह कुछ खाने जा रहे हैं, चाय होगी अपनी रात का, तो यार मैं इतना शॉर्ट आप लोगों को दिखा नहीं पाया, थोड़ा सा मिला होगा, बहुत थका हुआ था मैं, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा और रिस्की भी थी ड्राइविंग, तो अभी हम निकलेंगे। अब यहाँ पर इनको टास्क मिला है, ये कह रहे हैं एकदम से खड़ा कर दूँगा, देखते हैं क्या खड़ा करते हैं भाई, और मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे रुके थे कल, ये रहा हमारा रेस्ट हाउस, ठीक है, इसको ढूंढने के चक्कर में कल हम पूरी रात भटकते रह गए, ये है वो, ये रहा बरगद का पेड़, हमने जितना भी पूछा रात में कल किसी को ये रेस्ट हाउस पता ही नहीं है, और वो देखिए अभी यहाँ कांगू करके था गेस्ट हाउस फॉरेस्ट में, वहाँ पे थे तो अभी निकल रहे हैं हम, वो रही अपनी वॉक्सी, प्रदीप भी वेट कर रहा है, तो बस पहुँच जाएंगे यहाँ से, 3 घंटे लगेंगे हमें, देखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन पे हम जा रहे हैं, बाय बाय। फाइनली ये आ चुके हैं, ये लगाते हैं काफ़ी टाइम क्योंकि ये हैं ब्लॉगर, ये हमारी लोकेशन, हमने जहाँ पर फ़ोटो खींची, इसको कहते हैं बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है, जिंदगी में बरगद नहीं हो रही है। तो वे तो गाइस चलते हैं हम अपने मनाली की ट्रिप पे, तो जो हमारा मेन पॉइंट है वहाँ पे, उसके बाद लोकेशंस कवर करेंगे, -4 degrees है इस समय, तो चलते हैं बाबा। अगर मैं घुसूँ जल्दी
30 मिनट का ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये अपना है रिवर व्यू भोजनालय, देखते हैं कैसा है फूड यहाँ। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखते हैं कैसा बनता है। ये है थोड़ी इसकी लोकेशन, देखिए आपको व्यू दिखाते हैं। रिवर व्यू भोजनालय है इसका नाम। अब हम चल रहे हैं पीछे कि और बेटर हो सकता था ये व्यू, बट थोड़ा सा ये पेड़ ने पेड़ फिश होगी ना उसमें, फिश तो होगी इसमें नदी में। ये और ज्यादा बेटर, पूरी कवर कर लेते ना उतने कंडे जो एकदम। हां तब आता मजा, ओपन टेरेस बना देता पावे उतने चले जाएंगे। पर मे भी शायद नदी आती होगी जब बढ़ती होगी ना बरसात में, किनारे पे थोड़ा और दिखता बरसात में। बस सुनी भाई हमें पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, एंड में कह रहे इधर से व्यू आएगा बढ़िया, इधर से जो कूदेगा उसके पास गई कूद तो जाऊंगा मैं आराम से। ये है व्यू, बट ज़्यादा कुछ अच्छा व्यू नहीं लग रहा है। हाँ अगर हम वहाँ नदी में जाएं उधर तो वहाँ पे कुछ बात बन सकती है, बट इतना टाइम नहीं है, हम काफ़ी दूर जाना है अभी हमें। यहाँ से अप्रोक्स शायद 2 घंटे और लगने हैं, अभी हमने 1 घंटे का सफ़र ही तय किया। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा मनाली में। यही हम मनाली साइड जब आ रहे हो तो देखो कितनी कंस्ट्रक्शन चढ़ी हुई है, पहाड़ के पहाड़ काट के रख दिया यार इन्होंने तो। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है यार, तभी जोशीमठ का जो अपना हुआ है लैंडस्लाइड वाला सीन वो इसी वजह से हुआ है। ओए होए ओए, रोड ही नहीं दिख रही, पाउडर रोड ही नहीं दिख रही, देखो पाउडर रोड आ गया। मतलब इसका अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं कुछ, कोई जरूरी नहीं पहाड़ ही काटना है यहाँ पे। ब्रिज बना के जैसे बड़े बड़े ब्रिज नहीं बनते हैं नदी के ऊपर, उसको निकलना तेजी से निकल पाए आराम से, ये नेचुरल है। ये देखो यार हम 10-15 किलोमीटर आ गया हमें चलते चलते, अभी भी देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में, ड्राइव भी कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ें हैंडल करनी टफ हो गई। ये डैम एरिया है, ये शायद वही है ना ब्यास वाला डैम है ना, हो सकता है इन फ्यूचर हम इसके अंदर हो, फिर हम जब ये डेवलप हो जाएगी फिर दिखाएंगे आपको। ये देखो अगली बार आएंगे शायद इधर से ही चले जाएं सीधा। मैं निकाल रहा हूँ आप चलो। कंस्ट्रक्शन देखो भाई, टनल बन रहा है यहाँ पे, इतने सॉलिड रोड का बन रहा है। बाकी ये देखो बाद में ही हमें आने वाला टाइम है, हम इधर से ही जाने वाले हैं। जैसे अटल टनल है आई थिंक वैसे ही है। ये देखो ऐसे लेने पड़ते हैं पास। वो जो आप लोगों को मैंने टनल दिखाया था जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये देखो यहाँ से जाएगा वो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा होपफुली। ये देखो ये ट्रेन का बना रहे, नहीं ब्रिज है ट्रेन है, शायद ट्रेन का बना रहे हैं ना यार। हो सकता है ना, मेबी हो सकता है, ऐसे ही तो मैं बोल रहा था। और ये अच्छी चीज़ है, ये शायद इंडिया वाला इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना भी कंस्ट्रक्ट बहुत कर चुका है अपने एरिया में। तो इतने कितने रोक लो, इतने मिट्टी हो जाएगा, नहीं बाथरूम में जाना मैं। हाँ हाँ तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, तुम थोड़ा उत्थे को रोक ना, इतनी जगह सी उत्थे राज जगह ही नहीं होती ना। हुणे 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 हुणे। मैं तो कहता कि थोड़ी जी मिलूगी जगह पर रोक दिंदा, खाला खड़े हो गए कोई चक्कर थोड़ी है। ये देखो यार वो जो टनल आप लोगों को दिखा रहा पक्का ये ना रेलवे ट्रैक निकाल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आगे तक जाएगा लद्दाख तक। ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि इस पे गाड़ियाँ थोड़ी दौड़ेंगी, रेलवे ट्रैक ही है। और देखो इंडिया वालों को कितना बेनिफिट होने वाला जब ये कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हो जाएगा, जब हमें कोई भी एमिनेशन वगैरह जो भी पहुँचाने होंगे बॉर्डर एरिया पर बहुत जल्दी पहुँचा पाएंगे। ये देखो इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन, इंडिया वाले भी मतलब है, जब से चाइना से पंगा पड़ा है इंडिया में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई है स्टार्ट। ये अलग ही चीज़ बना रखी है उन्होंने, देखो पुल यार वाह हो यार, सी थल्ले उत्ते सीधे नीचे जाना
सीधा ही लिखा है टनल तो ये और टनल है टनल वन चल रही है अच्छा जो ऊपर वाला टनल स्टार्ट हो गया आई थिंक पता नहीं कब से ऐसे देखना देखना मैप तो नहीं चेंज हो रहा थल्ले नहीं सही सही ये इसमें होंगे ये देखो ठहरे हुए सर इसमें पुरानी वाली वीडियो हटा रखी है आपने क्या ऊपर देखो ऊपर ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर तो देख कितने जाना ऊपर वो देख छोटा जाना हाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी हम खड़ी करेंगे आप तो रास्ते का व्यू आप लोगों को थोड़ा सा मैंने सोचा दिखा दे ये देखो आप ये जो ब्यास नदी है ना उसी का पानी है जो आगे से आ रहा है ये ब्यास रिवर ही है आगे डैम भी था जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया दिल्ली के यार कुछ लड़के देखो उतर गए पानी में नहाने के लिए अभी और ये इतना सेफ नहीं है यार ये देखो पानी का बहाव बहुत तेज है देखने में लग रहा है अंदर बहुत गहरा है वो आप देख रहे हो वहाँ पे झरना भी है एक ये इसी वगैरह बहुत रिस्क लेके हमने ये अपनी वॉक्सी कढ़ाई हुई है ऊपर देखो वो बंदर भी है एक छोटा सा कहाँ गया नहीं था अभी तो बहुत रिस्की है कोई भी पत्थर आ सकता है यहाँ पे आओ प्रदीप क्या ले रहे हो एक फोटो फोटो कैप्चर कर रहा हूँ मैं फोटो कैप्चर कर रहा हूँ बहुत ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ पे क्या ये सच्ची है वही यार ट्रेन का ही मान रहे हैं ट्रेन ही निकल रही है कन्फर्म हो गया भाई मनाली ट्रेन जाएगी मनाली डायरेक्ट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है यार वेट कर लो बस थोड़ा असला जाएगा इसमें सीधा असला कहंदे इंडिया कहंदा जे उन्होंने मेट्रो कर दी थी ट्रेन तक काट ही सकते घट घट गाने तुम्हारे अब जाना किधर और पार्क है एक नया दुनिया घुसवा दिया और बताया भी वाटर टनल नहीं नहीं ये थोड़ी ये अटल टनल का है वो दूसरी टनल हां ये हो रही है ये देखो भाई ये अटल टनल तो नहीं है और कोई टनल है ये कौन सी टनल है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें तो पता नहीं है ये कौन सी टनल है यार बड़ी लंबी है यार टनल बारिश हो रही है हमारे पोल वॉकर देखो गाड़ी देखिए हमारी पोलो गड्डी और पोल वॉकर चला रहे हैं गाड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो और गाड़ी अभी चल रही है 70-80 पे वो ज्यादा नहीं बोलना चलान हो जाएगा भाई गड्डी का नंबर अगर चाहिए होगा तो ये अपने स्टार्टिंग में साइड से बनाई थी एक वीडियो टनल लंबी लग रही है यार लंबी है लंबी लग रही है और लंबी फाइनली खत्म हो गई ये देखिए ये अली बाबा चोर की गुफा रखी है बहुत ही गहरी है बाहर निकलते हुए हमने देखी पेड़ के अंदर छांव मेरा पेड़ की छांव जो बन रही है लग रहा है कुल्लू पहुंच चुके हैं अब कुल्लू से अपना सीधा रास्ता जाएगा मनाली की तरफ ये है मनाली का वे ड्रोन चक्कर लाया ना इतने नहीं ड्रोन उड़न देंगे
ये मनाली यहाँ से है यार 37 किलोमीटर। पहले हम थोड़ा रॉन्ग साइड चले गए थे। जो आप आते हो तो आपको टू वे मिलेंगे, एक वाया हाईवे है तो हाईवे वाला रोड पकड़ना है, जो पुल है ब्रिज है, नीचे से मत होना। हमने टर्न लेकर फिर दोबारा आए, वो मनाली दूसरी साइड से लेके जाएगा आपको सिटी सिटी से, तो ये बाहर से जो एक मेन रास्ता है तो अपना वो जाता है। अपना टी ब्रेक, टी ब्रेक तो क्या है, चाय तो नहीं पीनी है, लेकिन ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं यहाँ पे देखो हिमाचल का जो खड्ड बोलते हैं उसका पानी है। रिवर राफ्टिंग का पानी यही मिस हो जाता है सारा। प्यार से तो हम मान जाते हैं, प्यार से तो मान जाते हैं, पिछले हमें यही कार चलाते हुए। ये देखो कितने सही व्यू आ रहे हैं, इतनी बर्फ के चारों तरफ से गिर चुके हैं और बर्फ हम पे ही नहीं गिरी, और लगता है रात को ही बर्फ गिरेगी। तो यहाँ से अपना मनाली है 17 किलोमीटर, रोहतांग 71 है और ले 493 ले भी जाना है हमने। ले हमको लेना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पर रुके फिर वर्क फ्रॉम होम लिया, फिर अपनी वीकेंड फिर चलो वहीं के लिए लेना पड़ेगा, वहाँ तो लंबा रूट है। अभी यहाँ से अराउंड 19 किलोमीटर है, गेस्ट हाउस हमारा कंफर्म है, गुड फ्राइडे छुट्टियाँ पड़ गई इसलिए यहाँ पे वेट ज़्यादा है, हरियाणा साइड दिल्ली साइड के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गाइस हमने जो मनाली जब हम एंटर करते हैं टोल है अपना 200 रुपये का टोल है, 7 डेज के लिए वैलिड होता है टोल, तो अगर आप आ रहे हो मनाली तो 7 डेज का ट्रिप बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपका टोल भी यूटिलाइज हो जाएगा और वैसे भी मनाली इतनी दूर आप आते हो। अभी अब देखो हम कल शाम को 8 बजे से निकले हुए हैं, अभी पहुँचे हैं, बीच में हमने स्टे किया था 3-4 आवर्स का, तो टाइम लग जाता है। तो आप जब भी आना तो एटलीस्ट 4-5 डेज का ट्रिप बना के आओ, तो इन्जॉय तभी कर पाओगे। तो टंकी फुल कराई थी हमने, टंकी खाली भी होने पे आ गई है, पावर तेल डलवा रहे हैं इसमें हम, 104 रुपये लेकर है। ये मनाली 2 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम मनाली। शिलोंग वैली 18 किलोमीटर, शिलोंग वैली 18 किलोमीटर है यहाँ से, हम जा सकते हैं, जा सकते नहीं, हम वहीं जा रहे हैं मार रोड मनाली, मार रोड जाना हमने, कितने जाना कितने फिर मार रोड शाम का, मैं कहता कर लो फोन करना यार, मेरे ख्याल से इतने वन वे आ नहीं जांदियां ही गड्डियां ऊपर, हां भी गई तो थी नहीं था ही। ये मनाली मार रोड का रास्ता है, कहां है का मार रोड यार, थाना पुलिस मनाली। जाना कितने है, गड्डी तो खिंची जा रहे हैं, मार रोड है कितने है, ये मार रोड घूमना पैदल घूमना, ए आहो पैदल ही घूमना पैना, गड्डी लानी पड़नी कितनी, हम तो आगे निकल रहे हैं, हम तो लेक जा रहे हैं, ले लद्दाख उधर ही निकलते हैं, उधर ही रुक लेंगे टन 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 वाला मना, मनाली आई है गंद वैली, कुछ नहीं है मनाली में, क्या है आगे लिखा बोर्ड पे लिखा ये बिजी शेड्यूल, ये नदी हां दे बोर्ड टूरिस्ट में सागर, सागर यार ना मनाली मार रोड थे थोड़ा आगे, कहाँ पे जाए यार घूमने, तो कुंजुम भी है, उधर जाना,
गाड़ी पार्किंग कहाँ पे होगा? बैग ही लाइया सीधी कट ले मैड मंकी जा रहे चेक करने जा रहे देखते हैं कैसा ऑर्डर व्यू जिसका अच्छा होगा वो अलग खाना होगा ये आप देख लीजिए व्यू अच्छा है ना कैफे भी अच्छा है मतलब खुद बैठ सकते हैं आप बस दिखा दो जो अच्छा होगा देख लेंगे थोड़ा हाइट वाला दो यार है थोड़ा हाइट वाला दो हाइट में तो कैफे ही है फिर यहाँ से देख लो एक बार और छोटू क्या लगा पूछ वाला आ रहा ये लगा कौन सा है वाला ये तो नहीं एक ही है भाई है अंदर का मेरे तो बाहर का भी है ये सेव सेव के पेड़ ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं सेब के पेड़ हैं अभी फूल लगे हुए हैं और ये होटल के बाहर का व्यू अभी होटल कंफर्म नहीं किया लेकिन हम व्यू चेक कर रहे हैं कि कहाँ का व्यू अच्छा होगा गाड़ी है कौन सी गाड़ी है दिखाओ उसमें बंदे बैठते हैं चलाते हैं अच्छा वो बच्चे वाली गाड़ी है लेकिन खेला नहीं है मुझे तब मैंने खेला घर तुम्हारा यही है यही घर ये तार नीचे लग लेगा घर है पर जहाँ से आप आए थे ना उसके आगे अच्छा। एक रोड के ऊपर है वहाँ पे है अच्छा जी अच्छी बात गाड़ी में घूमना